Hey guys, this is Chan Momik and आप सब देख रहे हो Tech Robot Chan. Today in this video, I am going to discuss about the Realme's new X7 Max जो 31st मई को लॉन्च होने वाला है यानी कल को और ये लॉन्च होगा Flipkart में. तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसका स्पेसिफिकेशंस के बारे में. तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं. नंबर 1, डिस्प्ले. Realme X7 Max में मिल रहा है फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले. स्क्रीन साइज है 6.43 inches और रिफ्रेश रेट है 120Hz जो बहुत ही स्मूथ फीलिंग देगा यूजर को. स्क्रीन प्रोटेक्शन के तौर में मिल रहा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5. इस डिवाइस का वेट है 179 ग्राम एंड थिकनेस है 8.4 मिलीमीटर. नंबर 2, प्रोसेसर. इंडियाज फर्स्ट मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 5G ऑक्टा कोर चिपसेट मिल रहा है इस मोबाइल पे और ये इंडिया का फर्स्ट मोबाइल है जो डुअल 5G सिम स्लॉट प्रोवाइड कर रहा है. नंबर 3, OS. ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड 11 एंड UI है Realme का लेटेस्ट UI 2.0. नंबर 4, कैमरा. Realme कैमरा सेक्शन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप ऑफर कर रहा है जहां पर एक 64 मेगापिक्सल सोनी IMX682 प्राइमरी सेंसर मिल रहा है और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल रहा है. फ्रंट में सिंगल कैमरा सेटअप है जिसमें 32 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी लेंस मिल रहा है. कैमरा में डायनेमिक बूके के साथ साथ कई इंटरेस्टिंग फीचर्स होंगे. नंबर 5, स्टोरेज एंड रैम. स्टोरेज में 128GB का इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगा पर कोई भी एक्सटर्नल और एक्सपेंडेबल मेमोरी स्लॉट नहीं है. 8GB रैम के साथ ये डिवाइस देखने को मिलेगा बट 4GB एंड 6GB वेरिएंट इज नॉट कन्फर्म्ड येट. नंबर 6, बैटरी. बैटरी के तौर में लिथियम पॉलीमर का 45,000 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है 50W फास्ट चार्जिंग के साथ और जो चार्जिंग केबल है वो है USB-C टाइप. नंबर 7, प्राइस. रियलमी X7 मैक्स का जो प्राइस पॉइंट है 24,000 के करीब करीब रहना चाहिए बट लेट्स वेट फॉर द फाइनल रिलीज. रियलमी X7 मैक्स का जो अच्छा कॉम्पिटिटर है वो है पोको X3. सो इफ यू वॉन्ट टू सी द कॉम्पेरिजन वीडियोज बिटवीन दिस टू डिवाइस लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई विल चेक द कॉमेंट एंड मेक दिस वीडियो. एंड वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करो. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर.